वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजीएसएस के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में, इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपके सामने साझा की है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि आरजीएसएस की तरफ से जो लेटेस्ट पेएबल और नॉन पेएबल मेडिसिन है, यानी देय और अदेय जो दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी आरजीएसएस के अंतर्गत और कौन सी दवाइयाँ नहीं दी जाएगी, उनके संबंध में एक लिस्ट जारी की गई है। क्या लिस्ट है और उसके लिए दवाइयों की जो नाम है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा मेडिकल के क्षेत्र में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं अपने अल्प ज्ञान से कुछ दवाइयां जो देय है और या अदेय है उनके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और तो सबसे पहले पेएबल एंड नॉन पेएबल मेडिसिन है, कफ सिरप एंड एंटी कोल्ड अलाउड एक्सेप्ट बेनाड्रिल ग्लाइकोडिन ओटीसी एक्स्ट्रा, यानी कफ सिरप और जो एंटी कोल्ड जो यानी सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ हैं वो सारी अलाउ होगी, लेकिन किसके अलावा बेनाड्रिल और ग्लाइकोडिन इनके अलावा ये दवाइयाँ है वो पेबल नहीं होगी। बाकी अन्य जो कफ सिरप वगैरह वो पेबल होगी और पेबल अंडर सीएसएम अटेंडेंस रूल्स है इसके तहत। दूसरा है डिकॉन्जेस्टेंट नेजल स्प्रे आर अलाउड, यानी जो नाक की स्प्रे है वो अलाउड है। ऑल एनसेड आर अलाउड। फिर एनआरएक्स मेडिसिन आर अलाउड एज पर ड्रग और कॉस्मेटिक रूल्स है। स्लीपिंग पिल्स आर अलाउड, यानी कि जो नींद की दवाई वगैरह है वो भी अलाउड है। इसके अगली जो है साइकेट्रिक मेडिसिन आर अलाउड, यानी जो भी मानसिक रोगों के संबंध में जो भी दवाइयाँ हैं वो अलाउड है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, यानी जो क्रिटिकल केयर की जो मेडिसिन होती है वो अलाउड है एज पर आरजीएसएस नॉर्म्स के अनुसार। कैंसर ड्रग्स आर अलाउड एज पर आरजीएसएस नॉर्म्स, कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो आरजीएस के तहत मिलेगी। इसके अलावा कार्डियक यानी हृदय से संबंधित, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड ट्रीटमेंट आर अलाउड, यानी जो बीपी के संबंध में डायबिटीज शुगर या मधुमेह के संबंध में और हार्ट के संबंध की दवाइयां है और थायराइड के ट्रीटमेंट की दवाइयां है वो सारी अलाउड है। ऑल इंसुलिन इंजेक्शंस है वो अलाउड है और प्रोलीफिल्ड और कार्टेजेज आर अलाउड। इसके अलावा सब क्यूटेनियस इंजेक्टेबल अलाउड एज पर आरजीएसएस नॉर्म, यानी जो स्किन के नीचे जो इंजेक्शन वगैरह जो भी लगते हैं उनकी जो दवाइयाँ हैं वो अलाउड है। इसके अलावा डाइक्लोफेनिक जेल, जो भी जेल जो जैसे मोच वगैरह या इस तरह की जो दवाइयों में या तकलीफ में काम आता है, और ऑइंटमेंट और क्रीम अलाउड एक्सेप्ट वॉलिनी, जो वॉलिनी जेल है वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा दूसरे जो भी डाइक्लोफेनिक के जो जेल वगैरह है वो अलाउड है। इस अब और कौन सी प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन और मिथेलोकोबालमिन कॉम्बिनेशन आर अलाउड, ये जो भी दवाइयाँ हैं जो मेंस मस्कुलर पेंस या उनसे संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, नर्व से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं ये भी अलाउड है। और डाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट्स और कैप्सूल्स आर अलाउड। इसके अलावा पोइडन आयोडीन ऑइंटमेंट लोशन क्रीम अलाउड, यानी जो घाव वगैरह पर जो दवाई लगाई जाती है जिसमें पोइडन आयोडीन होता है ये सारी दवाइयाँ अलाउड है। और नेस्टराइज यानी टोल्वापेप्टाइन ये भी अलाउड है। इसके अलावा वेजिनल क्रीम ऑइंटमेंट और टेबलेट एसेसरीज आर अलाउड। प्रेगनेंसी मेडिसिन एंड हॉर्मोन्स आर अलाउड। डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट अलाउड, ये सारी दवाइयाँ अलाउड है। इसके अलावा ऑल इसब गोल एंड कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड, यानी कि जो इसब गोल के कॉम्बिनेशन वगैरह वो अलाउड नहीं है, जिसमें लैक्टिव फेब्रेज है, सप्तावैक है या नोट्रालैक्स, इस तरह की जो भी दवाइयाँ वो अलाउड नहीं है। इसके अलावा ड्यूफेलेक, क्रिम्पिन, लूज, लैक्टिव फाइबर और लैक्टिसोल या क्रिटिकली ऑल जो लेग्जेटिव सिरप्स है आर नॉट अलाउड। लेग्जेटिव का मतलब जो ऐसी दवाइयाँ जो पेट की कब्जी को दूर करने वगैरह के लिए काम में आती है वो दवाइयाँ अलाउड नहीं है। डाइजिन है, जेलोसिल जो भी जैसे एंटी एसिडिटी वगैरह के लिए काम में आती है, या म्यूगेन जेल है, रेनिडोम है, अलजेल है, ऑल एंटी एसिड आर नॉट अलाउड, यानी एंटी एसिड का मतलब जो एसिडिटी में दवाइयाँ दी जाती है वो अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स इंजेक्शन आर नॉट अलाउड। तो अगला है मिथल कोबाल पेन प्लेन नॉट अलाउड, यानी जो मोकोफ्रॉल या न्यूरोकाइन इंजेक्शन है वो अलाउड नहीं है, जो मस्कुलर पेंस वगैरह या नसों की तकलीफ में काम आती है, या मिथलोकाल्पिन या विटामिन B12 की जो कैप्सूल वगैरह वो अलाउड नहीं है। और कोलियोकैल्सिफ्रॉल 60K नॉट अलाउड, सस्पेंशन टेबलेट या कैप्सूल के रूप में अलाउड नहीं है। ऑल मल्टी विटामिन आर नॉट अलाउड, जो मल्टी विटामिन है वो भी अलाउड नहीं है। कैल्शियम नेजल स्प्रे, यानी जो कैल्शियम के नाक के द्वारा जो स्प्रे वाले हैं वो भी अलाउड नहीं है। डाइक्लोफेनिक स्प्रे आर नॉट अलाउड। लेग्जेटी टेबलेट्स, प्रोविक्ट या डिल्कोफ्लेक्स या क्रीमलेक्स एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड।
इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी थ्री या कैल्सिट्रॉल एक्सेट्रा और ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम आर नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। कैल्शियम और वी ये मैंने बता दिया। अब ऑल आयरन कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड, सिरप और टेबलेट जो आयरन की होती है उनकी कमी को दूर करने के लिए वो भी अलाउड नहीं है। ये दूसरा है पोविडन गार्गल आर नॉट अलाउड, यानी जो गरारे करने के लिए जो पोविडन का जो सोल्यूशन वगैरह दवाई आती है वो अलाउड नहीं है। थर्ड प्रेगनेंसी मेडिसिन आर नॉट अलाउड। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर आर नॉट अलाउड, जिसमें कैंडिड या बीटाडीन या नियोस्प्रिन जो पाउडर वगैरह है ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा शैम्पू, सनस्क्रीन, कॉस्मेटिक, पिगमेंटेशन, हेयरफॉल ट्रीटमेंट आर नॉट अलाउड, यानी जो बालों की हेयरफॉल के लिए ट्रीटमेंट वगैरह है या शैम्पू वगैरह ये अलाउड नहीं है। प्रोटीन पाउडर, ग्रेनुअल्स और लार्जेस्ट ग्रेनुअल्स, चेस्ट वगैरह या कैप्सूल्स है, टेबलेट्स वगैरह ये अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी कि कौन सी दवाइयाँ अलाउड है और कौन सी दवाइयाँ अलाउड नहीं है। ये आरजीएसएस के संबंध में लेटेस्ट जो लिस्ट है दवाइयों की, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है ये लिस्ट है वो मैंने बता दी आपको। इस संबंध में और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं, और इस संबंध में अगर और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।